एक बड़ी दुखद घटना हुई थी परसों, कौन मारा है 10 से 11 के बीच में, जब डॉक्टर प्रियंजन साहब जा रहे थे तो रहुई थाना अंतर्गत मुस्तफापुर गांव में कुछ अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। हम लोगों ने कांड के अनुसंधान को बहुत ही प्रोफेशनल और साइंटिफिक वे में अनुसंधान करना स्टार्ट किया। FSL की टीम को बुलाया गया, FSL ने हुआ कि FSL की मदद से हम लोगों ने साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट किया और अन्य साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम लोगों ने घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया। इस घटना के जो सूत्राधार हैं उनके ही परिवार के एक सदस्य हैं। अनुसंधान के हित में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट उनके परिवार के ही एक दूरस्थ संबंधी हैं। जैसा उन्होंने बताया कि आरोपी ने बताया कि डॉक्टर साहब के उनको बहुत प्रताड़ित करते थे, बहुत दुख पहुंचाते थे, उन्हें गंदी गंदी गालियां और देते थे और ताना देते थे। इस बात का उसे ये था, इस बात से उसकी रंजिश थी और इसी रंजिश के कारण उसने कुछ अपराधी मित्रों के साथ इसकी योजना रची और उन्हें उसने हथियार के लिए कुछ पैसे भी मुहैया करवाए थे। इसमें कुछ शूटर्स नालंदा ज़िले के हैं और कुछ बाहर के भी हैं। गिरफ्तारी हुई है, हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। कुछ और बरामद होने की संभावना है, रेड चल रही है। हत्या का मुख्य कारण व्यक्तिगत रंजिश, इसे कहें समाप्त करें तो व्यक्तिगत रंजिश करें, व्यक्तिगत रंजिश ठीक है। नहीं, संपत्ति विवाद की बात जो शुरू में आ रही थी उस संबंध में हम लोगों को कोई वैसा एविडेंस नहीं मिला। अभी इस बिंदु पर हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी को मारने वाले मुख्य अभियुक्त ही होते हैं, कोई अलग से अभियुक्त नहीं होता और मारने वाले अभियुक्त भी पकड़े गए हैं। तो अभी इन सब बातों का को मैं विस्तृत रूप से बाद में बताऊंगा, क्योंकि अनुसंधान की दृष्टि से ये उचित नहीं होगा कि अभी सारे चीज़ों को बता देना। इसके मुख्य सूत्राधार इनके परिवार के दूर के रिलेटिव हैं जो इनके घर के बगल में ही रहते हैं और इनके साथ बच्चे बचपन भी उन्होंने गुजारा है, इसीलिए इनके डॉक्टर साहब के एक्टिविटी के बारे में उनको पूरी तरह जानकारी थी कि वो कहाँ पोस्टेड हैं, किधर से आते हैं, क्या रूट है उनका। इन सब बातों को जानने के बाद, और अपराधियों ने इसकी बड़ी तैयारी की थी, 2 दिनों से वो लगे हुए थे इस पर। सुपारी दिया गया, देखिए सुपारी की बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, मगर क्योंकि जो सूत्राधार हैं उनके दोस्त हुआ करते थे वो, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, चूँकि जो सूत्राधार हैं उनका भी चाल चलन व्यवहार बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, पूर्व में ऐसा काम कर चुके हैं, तो उनके मैंने सहकर्मी लोग ही थे और हथियार के लिए उन लोगों ने पैसा दिया था। ये गाली गलौज किनके साथ करते थे यूज़ कीजिए, बट उनके परिवार के ही सदस्य थे जिसको ऐसा अभद्र और ऐसी बात कहते थे जिससे उनको परेशानी होती थी, उन्होंने इसी व्यक्तिगत रंजिश के कारण बदला लिया।